कामसूत्र पर भारी बॉलीवुड की कुछ और फिल्में हैं जिसे देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों के बारे में जिसमें बेहद बोल्ड सीन फिल्माए गए हैं। ये बोल्ड फिल्में जब आईं तो हंगामा भी हुआ और उनको पसंद भी किया गया। बॉलीवुड में हर साल अनगिनत फिल्में पर्दे पर उतरती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फिल्में होती हैं जो फैंस के दिलों पर राज करती हैं। बॉलीवुड की ऐसी फिल्में तो केवल मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार निर्देशक फैंस की चाहत को ध्यान में रखकर इनमें जमकर बोल्ड कंटेंट भी परोसते हैं। अब तक बॉलीवुड में कई ऐसी बोल्ड फिल्में बनी हैं जो फैंस अपने परिवार के साथ कभी नहीं देख सकते। दरअसल इन फिल्मों में सेक्स और इंटीमेट सीन्स की भरमार है। इन फिल्मों में आपको हर पल किसिंग सीन्स, बोल्डनेस और एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, इसलिए ऐसी फिल्मों को फैंस अकेले में ही देखना पसंद करेंगे। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बोल्ड फिल्मों से रूबरू करवाते हैं। पर्दे पर जब मल्लिका शरावत और इमरान हाशमी की मर्डर फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई सन्न रह गया था। शादी के बाद भी अपने प्रेमी से संबंध बनाने की कहानी मर्डर दर्शकों को खूब पसंद आई थी। फिल्म में मल्लिका शेरावत पर बेहद बोल्ड सीन फिल्माए गए थे। बॉलीवुड की सबसे बोल्ड फिल्मों में जो शामिल है वो है कामसूत्र। ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म को लेकर खूब हंगामा मचा। फिल्म में सेक्स को काफी ज्यादा परोसा गया था। फिल्म की हीरोइन कई सीन्स में न्यूड लुक में भी नजर आई थी। वैसी ही एक फिल्म बनी थी गर्लफ्रेंड, साल 2004 में रिलीज हुई। एक बॉलीवुड ड्रामा थी जिसका निर्देशन करण राजदान ने किया। फिल्म में मुख्य भूमिका में ईशा कोपिकर, अमृता अरोड़ा, आशीष चौधरी, सुमित निझावन नजर आए। इस फिल्म ने बोल्डनेस की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म में ईशा कोपिकर और अमृता अरोड़ा के काफी बोल्ड सीन्स थे। उसके बाद आई आस्था इन द प्रिजनर ऑफ स्प्री। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई। एक एरोटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन वासु भट्टाचार्य ने किया था। इस बोल्ड कंटेंट की फिल्म ने लीड रोल में रेखा और ओम पुरी नजर आए। इस फिल्म में दोनों ही स्टार्स के काफी ज्यादा एडल्ट सीन्स पर्दे पर परोसे गए थे। फिल्म में रेखा एक गरीब महिला के रोल में थी जो परेशानियों के कारण वैश्यावृत्ति करने लगती है। उसके बाद जिस्म 2 बोल्ड फिल्मों में शायद सबसे ऊपर ही रखी जाए। फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे जो कोई भी हो अकेले में ही देख सकता है। फिल्म में सनी लियोन के सेक्सी सीन्स के निर्देशक ने बखूबी पेश किया था। फिल्म को फैंस ने पसंद किया। नेहा धूपिया की फिल्म जूली भी कमाल कर गई। जूली को फैंस शायद भूल ही नहीं सकते। ये 2004 में रिलीज हुई एक एरोटिक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में नेहा का लड़के बार बार शारीरिक शोषण करते। फिल्म में नेहा के बोल्ड सीन्स फैन को दीवाना कर गए। लेकिन इन तमाम फिल्मों में बस यही बात है कि इन फिल्मों को आप अकेले में देख सकते हैं, फैमिली के साथ नहीं। तो इन फिल्मों ने बॉलीवुड में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इन फिल्मों के बारे में क्या है आपकी राय जरूर बताएं। देखते रहें बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ढेर सारे कमेंट करें।